भाई फाइनली ना कॉलेज पहुंच गया, कॉलेज भी दिखला दो, कहां एग्जाम टेंशन है हमारा। क्या अमन भाई, गुड मॉर्निंग, कल अच्छा गया था एग्जाम? एकदम झकास लिखे थे ना इस एग्जाम सेंटर से, तो अच्छे से निकल गए, बट ना भाई रास्ते में पानी फंस गए थे, अभी सगना मोड़ रुके हैं। और ये सब देखो गोलगप्पे खाने में लगे। अरे सोनू भाई का मुंह में गोलगप्पा पा रहा है। और भाई मैं क्या बताऊं, बाहर देखो इतना तेज बारिश हो रहा है सोनू, अब तो भीग के जाना होगा। यस यस। नहीं भाई नहीं नहीं, जाओ जाओ छोड़ दें। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। तो गाइस यार अभी सुबह के बजे 8:30 यानी कि आज भी मेरा एग्जाम है और आज है 2 सितंबर। तो भाई पहले तो 31st के था रक्षाबंधन के दिन और आज कुछ रहे नहीं, तो आज वैसे सैटरडे है तो अभी ना आज 2 तारीख भी है तो मेरा एग्जाम है आज, और आज हमारा एग्जाम है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का। तो भाई अभी ना मैं सुबह सुबह एकदम मस्त तैयार हो गया हूँ, प्रकाशी सब भी तैयार हो रहा है, खा पी रहा है सब, और मैं बचा हूँ बस तैयार हो गया हूँ। अभी चलते हैं कुछ खाने पीने, तब तक ना अभी शूज़ पहन लेते। देखो प्रॉपर ड्रेस ना तैयार हो, लेकिन शूज़ है ही नहीं मेरे पास, शूज़ तो यहाँ रखे हुए हैं और बैग वैग भी यहीं ला के रखे हैं, तो आईडी कार्ड भी अभी नहीं पहने हैं भाई और शूज़ भी नहीं पहने, तो अभी चलते हैं शूज़ पहनते हैं और फिर ना खाएंगे और फिर चलेंगे आज मस्त एकदम फिर से एग्ज़ाम देने। मैंने अपना शूज़ भी रियर कर लिया, पहन लिया, आज शूज़ थोड़ा गंदा यार, पॉलिश आज किया नहीं, तो भाभी जी को बोलते अरे भाई मोटे सारे कैश गिन रहे जी, खाने पीने के लिए है कुछ है? जो एक घंटे लेट निकले घर से, अभी 9:30 इधर ही हो गए, तो आज भाई गाड़ी थोड़ा तेज चलेगा, प्रकाश मैनेज कर लोगे ना, गाड़ी तेज चलेगा। और आज बाबू भी हमारे साथ जाने वाला है, क्या बेटे चलो तुम तो ना जल्दी चलते हैं, सेंटर तक पहुंचने के बाद हम मिलते हैं। आज हम जो है मतलब जा रहे हैं वेली रोड होके, क्योंकि भाई फुलवाड़ी से अगर जाते अमिताबाद होके तो जाम लग जाता, लेकिन फिर से इधर ही वेली रोड से होकर घूम के चले जा रहे हैं। तो अभी ना हम पहुंच चुके हैं राजा बाजार पुल पे, प्रकाश अभी ज़्यादा लेट तो हुए हैं नहीं, अभी हमारे पास 1.5 घंटा सुबह में भाई बोला कि काफ़ी लेट हो गई, क्योंकि निकले थे 8:30 में, आज निकल रहे 9:30 में, तो अभी आधे घंटे और लगेंगे, आधे घंटे में पहुँच जाएंगे ना प्रकाश, गाड़ी मैं चला रहा हूँ और बता रहे हो तुम भाई, वाह है ना। अभी चलते हैं डायरेक्ट सेंटर पे और सेंटर पे पहुंचने के बाद मिलते हैं अभी। यार फाइनली हम ना अपने सेंटर पे पहुंच चुके हैं, बस यहाँ से बस भाई टाइम से 1 मिनट लगने वाली, 2 मिनट भी नहीं बस 1 मिनट। तो रितेश और मनीष जी सब आगे आ गए हैं मेरे, और मैं इनके पीछे चल रहा था, अभी ये ना रास्ता भूल आ गए थे भाई, हमने को रास्ता पता, बहुत पकड़ो प्रकाश। भाई फाइनली ना कॉलेज पहुंच गया, कॉलेज भी दिखला दो, कहाँ एग्जाम टेंशन है हमारा। इधर भी आ गया रवीश, आ गया रवीश। गाइस यार फाइनली हम लोग अपने लोकेशन पे डेस्टिनेशन पे पहुंच गए हैं, और आज थोड़ा जल्दी पहुंच गए, आज 45 मिनट पहुंच गए क्योंकि थोड़ा तेज चला गया है। क्या सुनो, यही है हमारा जिंदगी का डिसीजन। और उधर काफी सारे, अरे भाई हमारे स्कूल के बच्चे दिख नहीं रहे आज, लगता है सब अंदर चल गया, अंदर चल गया हमारे स्कूल कॉलेज के बच्चों में, बस वहाँ और यहाँ आधे उधर। भाई आज तो उतना ज्यादा बच्चा दिख भी नहीं रहा हमारे कॉलेज का, तो चलते हैं सबसे मिलते हैं जाके। क्या अमन भाई, गुड मॉर्निंग, कल अच्छा गया था एग्जाम? एकदम झकास लिखे थे ना। देखो सेंटर पे आके सोनू ना सब्जी बेचने वाला काम कर रहा है। ए रितेश जाओ खरीदो, कैसे है ए सब्जी वाला, कैसे है ढाई सौ में वो पूरा खीरा एक चिमकी, कितना वजन है? केला खा रहा है क्या प्रकाश? जाओ तुम भी सब्जी वाला से सब्जी खरीद लो, सोनू सब्जी वाला बन गया है, आ गया बनिया बनिया, आ गया बनिया। जाओ तुम भी सोनू सब्जी वाला से सब्जी खरीद लो।
ए सोनू सब्जी वाला। तो गाइस यार फाइनली ना एग्जाम खत्म हो गया है। हाँ भाई कौन सा गाड़ी बड़ा जो अच्छा हाँ वो देखा था गाइस बारिश में यार पानी भर गया उस गाड़ी के पीछे बैकलाइट में। तो अभी एग्जाम खत्म हो गया है और हम ना जा रहे घर। मनीष कैसा गया एग्जाम तुम लोग का? अच्छा अब देखो रितेश से बात करते हैं भाई। ए सोनू एग्जाम कैसा गया? ए रितेश लिखा था बउआ लिखा है? अरे भाई हेलमेट के अंदर मास्क का लगी पहन लिया कोरोना के लेके आए क्या तुम? तुम कोरोना के लेके आए भाई ना अभी एग्जाम खत्म हो गया तो अभी चलते हैं घर क्योंकि भाई भूख लगा हुआ चक्के में कहीं रुक के ना खाएंगे। खाए खिलाएगा कोच? रितेश नहीं खिलाएगा भाई उदम कंगाल है कहीं भी पैसा वैसा नहीं निकालता। तो ना अभी चलते हैं कहीं रुक के कुछ खाएंगे। आज तो व्यू देखो काफी अच्छा होगा और यही सामने कॉलेज है हमारा जो ग्रे कलर वाला दिख रहा है ना वही कॉलेज है भाई उसी में हम लोग जा रहे हैं एग्जाम देने। क्या प्रकाश तुम्हारा अच्छा गया आज वाला एग्जाम? अब ना कहीं रुकते हैं और फिर खाएंगे सबका जवाब। एग्जाम सेंटर से तो अच्छे से निकल गए बट ना भाई रास्ते में पानी फंस गए थे अभी सगना मोड़ रुके हैं और सब देखो गोलगप्पे खाने में लगे। अरे सोनू बड़का मुंह से गोलगप्पा फाड़ रहा है। अरे भाई रितेश कैसे खा रहा है हेलमेट पहन के? तो गोलगप्पा खा ले रहा वैसे तुम? वाह टेक्निक है। चलो गए पाव भाजी खाने। भाई भूख लगा हुआ है ना अभी चलते हैं बीकानेर और पाव भाजी खाएंगे क्योंकि भूख लगा हुआ किसके घर से कुछ खा के निकले थे नहीं थोड़ा सा खाते और कुछ खाए थे नहीं। और बारिश देखो अभी हल्का हल्का बंद हो गया पूरा भीग गए थे भाई रितेश तो और ज्यादा भीग गया ना। अरे तुम खत्म लेके आई यार क्या रबीस बढ़िया लेकर नहीं ना। तो गाइस यार ना अभी चलते हैं पाव भाजी खाने। तो गाइस ना अभी हमारे थे पाव भाजी खाने और इस सोनू इधर रितेश इधर रबीस अंदर प्रकाश रबीस के उधर भाई ज्यादा चमक रहा है रबीस क्या रबीस सब्जी लाइट तुम्हारे ऊपर है ना भाई इसी कारण चमक रहा है। तो घर के लिए पैक करवा लिया क्या सोनू? अच्छा था सही में झूठ बोल रहा है पासिंग मार्क्स भाई पासिंग मार्क्स दे रहा है बताओ हमको तो इतना अच्छा लगता है हम तो पूरा फिनिश कर दिया। रितेश सबसे पहले खा गया क्या रितेश? खत्म हो गया और ले लो पेमेंट कर देना। तो अभी ना घर के लिए भी चौमिन में पैक करवा लिया और बाहर देखो कितना तेज बारिश हो रहा है यार ऐसी बारिश में भाई कैसे जाएंगे घर रबीश चल जाएंगे भीगते भीगते आ जाएंगे मस्त मजा आएगा भीगने में ना तुम नहीं भीगना भाई तबीयत खराब है छोटा बच्चा है गाइस यार ना अभी पाव भाजी खा लिए थे घर के लिए भी ले लिए बैग में सारा सामान रख दिया मेरा हेलमेट यहाँ रहा। और भाई मैं क्या बताऊँ बाहर देखो इतना तेज बारिश हो रहा है सोनू अब तो भीग के जाना होगा। यस यस देखो सब पॉलिथीन यहाँ से ले लिए बीकानेर से सारा वॉलेट इसी में डाल दिया आईडी कार्ड भी इसी में डाल दिया। तो अब कुछ नहीं करते चलते हैं भीग के अगर रास्ते में कहीं टाइम मिला तो वीडियो बनाएंगे नहीं तो फिर भाई बैग में रहेगा ये फोन मान लीजिए वाटर प्रूफ है भाई कितना देर वाटर प्रूफ रहेगा। बाहर देखो बारिश कितना तेज हो रहा है पूरा अंधेरा हो गया। रवीश क्या कर रहा है तुम चोरी वाला काम? यार वहाँ से ना बारिश में भीगते भीगते निकल गए हैं और अभी ना राजपुर पहुंच चुके हैं। सोनू देखो ना इसको भाई सामान लेना था फोन में फोन रखा था ना पॉकेट में सब तो वही निकाल रहा है पॉलीथीन में से। सोनू अपना फोन लेके जाएगा इधर से पैदल और रमी अपना अच्छा नहीं भाई नहीं नहीं जाओ जाओ छोड़ दें इसको आगे तक छोड़ देते हैं बाकी फिर उसको पैदल ही जाना होगा खेत से होके। और भाई इतना ज्यादा भींग है ना पूरा शरीर भीग गया देखो बैक से आप अंदाजा लगा सकते हो कितना भीग गया। गाड़ी देखो रोड पे भी पानी नहीं कम है भाई अगर रुकने के चक्कर में रहते ना तो काफ़ी देर हो जाता। तो फोन तो रखते हैं अभी अंदर नहीं तो फोन भीग जाएगा फिर कट हो जाएगा ब्लॉग नहीं आ पाएगा क्या अभी ये सोनू चलो तुमको छोड़ देते जल्दी सब नीचे भाई डल डल आ रहा है भाई ठंडा काफ़ी ज़्यादा लग रहा है तो फोन को रखते हैं और चलते हैं घर। अभी यार ना मैं आ गया था घर और घर आके अपना एड्रेस सब चेंज कर लेकर पूरा भीग गए थे और इसको देखो क्या जूस कहाँ चले दोनों तंग कर रखे थे ऊपर घर में झूला लगा हुआ है तो झूला झूलने के लिए बोल रहे तो चलते हैं ऊपर तो झूला झूलाते हैं। ठीक